शहर में अपराधी किस कदर बेखौफ है, इसका ताज़ा उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला जब छोटा गोविंदपुर में दिन दहाड़े एक युवक को गोलियों से भून दिया गया। युवक को टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया मगर उसने दम तोड़ दिया। शहर में फिर तड़तड़ाई गोलियां। बेलगाम अपराधियों ने दिन दहाड़े अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र की है जहां खाकरीपाड़ा एसटी स्कूल के समीप अश्विनी कुमार नामक युवक को बाइक सवार अपराधियों ने उस वक्त गोली मार दी जब अश्विन शेषनगर अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। गोली अश्विन के कंधे और कहीं लगी है जिसे स्थानीय लोगों ने टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया जहां इसका इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दीपक झा नामक किसी अपराधी ने अश्विनी पर गोली चलाई है। मिली जानकारी के अनुसार अश्विनी का दीपक से पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। ये घटना उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। व्यक्ति अश्विनी कुमार की गोली मारकर करके जख्मी कर दिया गया था जिसकी मृत्यु यहाँ इलाज के क्रम में हो गई है। इस संबंध में दो अपराधकर्मी जो घटना में शामिल थे उसकी शिनाख्त कर ली गई है। इस व्यक्ति की पहचान के लिए इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और हम लोग उसको जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। शहर में दो अलग अलग घटनाओं में शरारती तत्वों ने घर के बाहर खड़ी दो कारों को आग के हवाले कर दिया। एक घटना सोनारी की है तो दूसरी गोलमुरी की, जिसमें भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार की इनोवा कार शामिल है। शहर में बीती रात दो अलग अलग घटनाओं में शरारती तत्वों ने दो वाहनों में आग लगा दी। पहली घटना गोलमुरी थाना क्षेत्र की है जहाँ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार के इनोवा में शरारती तत्वों ने आग लगा दी। दूसरी घटना सोनारी थाना क्षेत्र की है जहां नर्स क्वार्टर के बाहर खड़े वैगनर गाड़ी में किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी। वैसे सोनारी की घटना में शामिल युवक की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और पुलिस उसकी पहचान में जुटी है। यहाँ पर माने हम लोग सोए हुए थे रात में, हम लोग को आवाज़ आया, मामले वाले हमारे पड़ोसी ने आवाज़ दिया कि ऐसा ऐसा बात है, देखिए आग लग गया गाड़ी में। तो बाहर मैं निकला तो बाहर देखा कि पूरे मेरे गाड़ी को राख हो गया है, पूरा गाड़ी राख हो गया है, कुछ नहीं बचा गाड़ी पे। उधर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वैसे अहम सवाल ये है कि आखिर कौन है जो शहर की सड़कों पर घनी आबादी के बीच वाहनों में आग लगा रहा है। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी बागबेड़ा और मानगो में इस तरह की घटनाएं घट चुकी है। रात को 2:15 बजे बगल के पड़ोसियों के द्वारा फोन पे बताया गया कि नीचे गाड़ी पे आग लगी हुई है और जब नीचे उतर के आए तो आगे के भाग पे और पिछले हिस्से पर आग लगी हुई थी और आसपास के लोग उसको बुझाने के लिए लगे हुए थे। लगभग 3 बजे आग पर काबू पाया गया। 3 बजे थाना प्रभारी को सूचना की गई। 3:15 में थाना से जीप आकर के देख दाख के यहाँ से जाने का काम किया गया, लेकिन जो प्रतीत हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि गाड़ी खड़ी गाड़ी पर और जो 7:15 में गाड़ी पार्क हुई थी तब से लेकर के रात्रि 1 बजे के बीच में शॉर्ट सर्किट की कोई संभावना नहीं है। गाड़ी के ऊपर एक कपड़ा दिख रहा है और हो सकता है कि उसको पेट्रोल से भिगा करके या डीजल में भिगा करके उसको गाड़ी के ऊपर फेंक करके आग लगाया गया और संभावना प्रतीत है कि किसी न किसी विद्वेष की भावना से आग लगाया है। कराईकेला में हुए लोमहर्षक दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उद्भेदन करते हुए दो युवकों को धर दबोचा है। उन्होंने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। कराईकेला थाना क्षेत्र के जोमरो गांव में हुए वृद्ध दंपति की हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर दिया है, जिसको लेकर SDPO कपिल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी उपलब्ध कराई। मालूम हो कि रविवार की रात जोमरो गांव में वृद्ध दंपति सरकारी दिग्गी व उसकी पत्नी बादगी कुई की धारदार हथियार से मारकर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। घटना को लेकर कराईकेला थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी वैज्ञानिक तरीकों से घटना में शामिल देवा दिग्गी उर्फ दासो दिग्गी को विधिवत गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने जमीन विवाद के कारण अपने अन्य सहयोगी विशाल सरदार के साथ घटना को अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है।
को सरायकला थाना अंतर्गत ग्राम जोमरो के ग्रामीणों के द्वारा थाने को सूचना दी गई कि उनके गांव के ही दो व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति का नाम साकरी दिगी उम्र 60 वर्ष तथा उसकी एक पत्नी बादगी कुई उम्र 52 वर्ष, उनकी हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की कर दी गई है। इस सूचना के सत्यापन के लिए सरायकला थाना द्वारा सूचना सत्यापन तुरंत घटनास्थल पर मौके पर पहुंचकर किया गया। घटना में इस घटना को सत्य पाते हुए कांड का अनुसंधान तुरंत स्टार्ट किया गया। थाने आकर इस संबंध में कांड दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी सरायकला थाना प्रभारी दीपक तथा थाने के अन्य सब इंस्पेक्टर से मिलकर कांड का अनुसंधान स्टार्ट किया। चूँकि मामला गंभीर था, क्योंकि मामले में दो व्यक्तियों की धारदार हथियार के साथ हत्या कर दी गई थी, तो इस संबंध में शक के आधार पर एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। घटना में शामिल देवा दिग्गी, जिसको शक के आधार पर थाने लाया गया था, उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। बालीगुमा के रहने वाले बहादुर टूडू की एक एकड़ भूमि को लेकर पिछले 20 वर्षों से चल रही अदालती कार्रवाई में फैसला उनके पक्ष में आया है, बावजूद इसके उन्हें सरकारी कार्यालय में टहलाया जा रहा है। छोटा भाई गौरी शंकर टूडू, हमारा जमीन है बालीगुमा और उस जमीन पे हमारे बड़े भाई बहादुर टूडू, हम उनके छोटा भाई गौरी शंकर टूडू, हम लोगों का जमीन है बालीगुमा मौजा में। कितना जमीन? डेढ़ एकड़ जमीन है हम लोग उस जमीन के लिए पिछले 35 वर्ष से लड़ रहे हैं, 35 वर्ष से लड़ रहे हैं। आज से 20 साल पहले डीसी के पास से हमारे पक्ष में आया था जमीन दखल दियाने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग कमिश्नर कोर्ट गए। कमिश्नर कोर्ट से पिछले साल हम लोग के पास दखल दियाने का आदेश आया हुआ है जिला में कमिश्नर से, लेकिन यहाँ का जिला का जितना भी सरकारी कर्मचारी है, भूमि सुधार उप समर्था हो गया, मानगो अंचल हो गया, ये दोनों हम लोगों को ये दोनों ऑफिस ऐसा दौड़ा रहा है हम लोग का एक बात नहीं सुन रहे। एक छोटा सा चीज़ परवाना के लिए कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस हम लोगों को दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है। अगर आज बुलाया जाता है कल बुलाया जाता है, लेकिन कोई हमारा पक्ष में कोई काम नहीं किया। सरायकेला जिले के बहुचर्चित तब्रेज अंसारी हत्याकांड तो आपको याद होगा। 4 साल बाद फैसला सुनाते हुए बुधवार को एडीजे अमित शेखर की अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि तब्रेज की पत्नी ने फैसले पर असंतोष व्यक्त किया है। इस चर्चित मामले में 27 जून को सुनवाई करते हुए दो आरोपियों सत्यनारायण नायक और सुमंत प्रधान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। उसके बाद सजा की बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। बुधवार को सजा सुनाते हुए एडीजे 1 अमित शेखर ने बताया कि सारे साक्ष्यों एवं तकनीकी साक्ष्यों पर गहनता से अध्ययन करते हुए पाया गया कि मृतक के साथ मारपीट की गई है, मगर मारपीट से मौत होने का प्रमाण नहीं मिला है। इधर तब्रेज की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बताया कि इस फैसले से वे नाखुश है और ऊपरी अदालत में चुनौती देगी। क्या ऊपरी अदालत जाएंगी? कितना चाह रही थी होना चाहिए? हम चाहते थे कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा। आप ऊपरी अदालत जाएंगे? 10 साल से संतुष्ट नहीं है आप? उनमें से दो अभियुक्त सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया और शेष 10 अभियुक्तों पर दोषी भी किया गया, जिन पर आज सजा पर सुनवाई और धारा 304 पैरा 1 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में 10 साल का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट और 15,000 रुपये की फाइन सभी 10 अभियुक्तों को। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। Anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी निवाली की दर में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं रह सके। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारे समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी
9308081071 9031612032 सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।